संभल में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। धारा 452 खत्म करने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से बदमाशों ने लूटपाट की। 6 से ज्यादा बदमाशों ने डंडों और सरियों से चालक पर हमला किया। सीतापुर के बिस्मा कस्बे में किसान कर व्यापारी के ठिकानों पर पड़ा छापा। इनकम टैक्स और जीएसटी की संयुक्त टीम के छापे से व्यापारी में हड़कंप। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सुल्तानपुर रोड पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया। अमरोहा में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। तालाब की जमीन पर भवन बना रहा था भूमाफिया गुट। बस्ती के कई थानों में पुलिसकर्मियों को दी जा रही असलहे चलाने की ट्रेनिंग। हाल ही में डीआईजी आरके भारद्वाज के संत कबीर नगर में वार्षिक निरीक्षण में असलहे लोड करने में फेल हो गए थे कई दरोगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर चढ़ा 22 सीढ़ियां। अमेरिका में रहने वाले डेटा कंपनी में इंजीनियर एडम वॉकर ने ट्वीट कर उठाया सवाल। कहा, दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट में से एक ताजमहल पर व्हीलचेयर रैंप क्यों नहीं। काशी में महिला समेत 3 लोगों की हत्या से सनसनी। महिला बेटे बेटी की हत्या, दामाद पर हत्या का शक। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 20,000 का नामी गिरफ्तार। 2.5 साल पहले सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। बिजनौर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। नाबालिग किशोर को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना धामपुर का मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टीका लगने से 7 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए 3 टीके। तबियत बिगड़ने पर बच्चे की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। कहा, जिन लोगों के साथ उपराज्यपाल की मीटिंग हुई वो लोग कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बक्सर में केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पत्थरबाजी। अपने ही संसदीय क्षेत्र में बाल बाल बचे मंत्री। पावर प्लांट के लिए जमीन का सही मुआवजा न मिलने से नाराज थे किसान। बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया। बोले, शिविर लगाकर होना चाहिए समस्या का समाधान। पुलिस के लाठीचार्ज की जानकारी। सीएम नीतीश कुमार को पुणे का किया दावा। बक्सर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया। 90 दिन से चल रहा है आंदोलन। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और बीजेपी का नेता अब तक क्यों नहीं आए। बक्सर हिंसा पर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप। बोले, सरकार और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने का काम कर रही है। हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग। सीएम सुक्खू ने अपने पास वित्त, गृह, योजना, कार्मिक विभाग रखा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्र के पास है जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाले लोगों को निशाने पर ले रही है बीजेपी। पीएम मोदी की एफडीआई पॉलिसी को भय, मानहानि और धमकी की पॉलिसी बताया। बीजेपी से निष्कासित नूपुर शर्मा को आत्मरक्षा के लिए मिला हथियार का लाइसेंस। पैगंबर साहिब पर विवादित बयान के बाद नूपुर को लगातार मिल रही थी धमकी। नूपुर शर्मा को लाइसेंस मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया कटाक्ष। बोले, मोदी राज में सभी को बंदूक के लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस के लिए सब लोग करें आवेदन। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर लोगों को विभाजित करने की नीति चलती रही तो देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर मिले गृह मंत्री अमित शाह। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बोले, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ सिक्किम में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर चल रही आईटी रेड पर जाकिर हुसैन ने उठाए सवाल। बोले, अधिकारी आए लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं। फर्जी खबरें फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल बंद। आईपी मंत्रालय ने लिखा, एक्शन राजनेता और न्यूज चैनलों की छवि को खराब कर रहे थे न्यूज चैनल। पूरे देश में लोहड़ी का त्यौहार आज। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाने की है परंपरा। इस दिन घरों के बाहर अलाव जलाकर लोग भंगड़ा करते हुए चिवड़ा, तिल, मेवा, गजक आदि बांटकर खुशियां मनाते हैं। जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्यौहार। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी हुए शामिल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी। रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। तो
कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बड़े मरीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15 फीसदी बढ़े। दिल्ली में 23 साल में तीसरी बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर एक फीट तक जमी बर्फ, आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। कश्मीर के सोनमार्ग में एवलांच की चपेट में आने से किश्तवाड़ में दो मजदूरों की मौत हो गई, जोंजला सुरंग पर काम कर रहे थे मजदूर। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए, कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम किया गया है जिससे बर्फ को हटाया जा सके। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।